हाय डियर्स, ऑल और वेलकम टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। तो डियर्स, आज की जो ट्रेनिंग है, आपके रेफ्रिजरेटर का डाउन पोर्शन यानी नीचे वाला कंपार्टमेंट में ठंडा कम क्यों होता है, कहीं डबल डोर फ्रिज यूजर के उन तीन मिस्टेक में से कोई एक मिस्टेक ऐसी तो नहीं कि जिसके रीजन से आपके डबल डोर फ्रिज के नीचे वाला कंपार्टमेंट कम ठंडा होता है, अपने फ्रिज में हो रही कम कूलिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखते हैं इस वीडियोस में। अगर आपका रेफ्रिजरेटर महीनों से कंटिन्यू अगर चल रहा है और जब आप फ्रिज के फ्रीजर को आप जब खोल के देखते हैं तो फ्रिज के फ्रीजर के अंदर चीजें तो फ्रोजन हो चुकी होती हैं, तो दोस्तों क्या आप इस फ्रीजर के कंडीशन को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है? ये नीचे का रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जब आप इसको खोलते हैं तो इस कंपार्टमेंट के अंदर रखी हुई चीजें बहुत कम ठंडी हो रही होती हैं। आप इनको हाथ को लगाकर देखेंगे तो ये चीजें बहुत कम ठंडी हो रही होती हैं, चाहे इनका चिलर कंपार्टमेंट हो या कि फ्रिज के अंदर रखे हुए वेजिटेबल्स। जब आप उन्हें चेक करते हैं, फ्रिज के अंदर रखी हुई पानी की बॉटल्स, तो इस तरह से अगर फ्रीजर के अंदर कूलिंग ओके है लेकिन नीचे वाला रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर अगर कूलिंग बहुत कम हो रही है और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग नॉर्मल ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है लेकिन फिर भी अगर ठंडा कम रहता है, तो उसका रीजन है कि फ्रीजर के अंदर रखी हुई चीजें पीछे के पैनल से बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है, एकदम सटा के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे के पैनल के जो स्लॉट्स हैं जहां से एयर का फ्लो आना चाहिए वो बिल्कुल ब्लॉक हैं। और इसमें दूसरी मिस्टेक है, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अगर किसी ने इस तरह से कारपेट रखा हुआ है अपने फ्रीजर के अंदर, ये नीचे के साइड में बने हुए ये डक्टिंग के सोर्स कहे जाते हैं, इस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर कोल्ड एयर फ्लो यानी ठंडी हवा जो पीछे के पैनल के सोर्स से आती है, हम आपको दिखाना चाहेंगे इन सामान को हटा करके। आप यहां पर देख रहे हैं इस विंडो से कोल्ड एयर फ्लो कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जो आप कुछ और भी यहां पर दिखाई देंगे, मैं इन सामान को हटाता हूं, जो बिल्कुल ब्लॉक हैं ये विंडोज, इनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फ्रीजर के अंदर सामान इस तरह से स्टोर बिल्कुल ना करें। इन सभी एयर फ्लो के सोर्स को यहाँ पे खोल दें और सामान को हटा दें। अब आप देख रहे हैं इनके सारे के सारे एयर फ्लो आने के सोर्सेस क्लोज थे, बिल्कुल ब्लॉक थे, तो इस तरह से सामान को बिल्कुल स्टोर ना करें। आप नीचे के वाले कंपार्टमेंट में आप देखेंगे, हम यहां के सामान को हटाते हैं, आप इनके नीचे भी देख सकते हैं, यहां पर भी एयर फ्लो के सोर्स हैं जहां से कोल्ड एयर फ्लो इस फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर यूजर्स, आप अपने रेफ्रिजरेटर फ्रीजर में सामान को रखने की स्टाइल आप कुछ इस तरह से बनाएं कि इनके पीछे के तरफ से करीब 2 से 3 इंचेस का डिस्टेंस तो सामान से जरूर हो। अगर फ्रीजर में सामान को रख रहे हैं तो बिल्कुल पीछे को टच ना करें, इनको थोड़ा सा आगे की तरफ खींच करके और पीछे से इतना डिस्टेंस जरूर रखें और सारे सामान को आप वापस स्टोर करें। और नेक्स्ट मिस्टेक जो हमने आपको दिखाया, यहाँ पे कारपेट यूज किया हुआ है और नीचे के जो डक्टिंग के जो इनके सोर्सेस हैं अगर वो ब्लॉक हो गए हैं, तो आप इस कारपेट को यहाँ से हटा दें और या तो इनको और अंदर की तरफ पुश कर दें कि ये बिल्कुल ओपन हो जाएं। अगर आपके रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के ये डक्टिंग के सोर्सेस अगर ओपन रहते हैं और फ्रीजर के अंदर उस पैनल के पीछे एयर वापस फ्रोजन होकर के इस कंपार्टमेंट के अंदर आती है और वे कोल्ड एयर वापस इसी सोर्स से अंदर जाते हैं और ये एयर बार बार सर्कुलेट होकर के बार बार रिसाइकल होकर के एयर खुद ठंडे होते रहते हैं और यहाँ की रखी हुई चीजों को फ्रोजन करते रहते हैं। तो फ्रीजर के अंदर स्टोरेज कुछ इस तरह से बना देने से पैनल के पीछे चल रहे फैन के फ्लो से जो थोड़ी थोड़ी एयर रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जाती रहती है वह भी प्रॉपर आने लगेंगे और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर कूलिंग अच्छे होने लगेंगे। आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर अगर नीचे ठंडा नहीं होता है तो उसका दूसरा रीजन भी देख लेते हैं। आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर नीचे का ये वाला कंपार्टमेंट के अंदर रखी हुई चीजें ठंडे ना होने के रीजन है कि अगर आप अपने फ्रिज के इस फ्रीजर के अंदर के लगे हुए इनके फ्रीजर कंट्रोल नॉब, अगर ये नॉब कभी क्लीनिंग के टाइम पे, साफ सफाई के टाइम पे इनके नॉब अगर ये गलती से भी खिसक जाते हैं, जो अक्सर क्लीनिंग के टाइम पे हो जाया करते हैं, इनके कंट्रोल नॉब को बहुत ध्यान से देखें। अगर ये खिसकने वाला
नॉब 8 पर है तो ये फ्रीजर कंपार्टमेंट मैक्सिमम कूल होएगा और नीचे का रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट कम ठंडा होने लगेगा। जैसा कि आप इस सिंबल में देख रहे हैं, फ्रीजर मैक्सिमम जो 8 नंबर को इंडिकेट करता है, और अगर दोनों फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर दोनों कंपार्टमेंट अगर नॉर्मल कूल करना है तो इसमें इंडिकेशन हो रहा है कि नॉर्मल 6 नंबर एडजस्ट करें। तो इसके नीचे बने हुए नॉब को हमें 6 पे एडजस्ट करना चाहिए। तो इस नॉब के अंदर के स्लॉट के अंदर से एयर फ्लो इनके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर ज्यादा जाने लगेंगे और आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट अच्छा कूल होने लगेगा। ये सिर्फ एक मिस्टेक है, बस अभी रिलैक्स हो जाइए। एक रीजन अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम इंडिया की कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करता हूं। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें कि क्या हमारी सर्विसेज आपकी सिटीज में अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पर डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं और आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्ट्री सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर में नीचे का कंपार्टमेंट ठंडा नहीं होता है तो उसमें होने वाली वो तीसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं। किसी भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर में इनके नीचे वाले कंपार्टमेंट के अंदर कूलिंग कम होने का रीजन नंबर 3, वो मिस्टेक नंबर 3, कि अगर इस डबल डोर रेफ्रिजरेटर के पीछे यहाँ पर इनके ड्रेन बॉक्स के अंदर ध्यान से देखें, फ्रीजर के अंदर से डिफ्रॉस्ट किया हुआ पानी ड्रॉप करने वाले ये ड्रेन लाइन, ये ड्रेन पाइप जो ड्रेन बॉक्स के अंदर डूबे रहते हैं, अगर कभी आपने इस ड्रेन बॉक्स को क्लीन किया यानी सफाई के टाइम पे, अगर इस ड्रेन लाइन के ऊपर लगे हुए कैप जो यहाँ पर लगे रहते हैं, अगर ये ड्रेन कैप मिस हो जाते हैं या कि इनसे निकल जाते हैं, जो अक्सर क्लीनिंग के टाइम पे निकल जाता है, जो ड्रेन कैप अक्सर आप ड्रेन बॉक्स के अंदर देखेंगे तो इनके अंदर से ड्रेन कैप पड़े हुए निकल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। तो अगर इस ड्रेन लाइन के आउटलेट पे लगे हुए ये ड्रेन कैप नहीं लगे रहेंगे, ये ड्रेन कैप आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये इनके मुंह बहुत थोड़े खुले होते हैं और बाकी क्लोज रहते हैं। इनके मुंह अक्सर 10% खुले होते हैं, बाकी 90% ये क्लोज होते हैं। लेकिन अगर ये ड्रेन कैप इनके ड्रेन लाइन के आउटलेट पे अगर नहीं लगे रहेंगे तो ड्रेन ट्रे के अंदर आने वाला पानी इस लगे हुए कंडेंसर लाइन के हीट के इफेक्ट से जो पानी गर्म होकर के इवेपोरेट होता रहता है, बाफ बन करके उड़ते रहते हैं, जिससे कि ड्रेन ट्रे के अंदर का पानी सूखता रहता है। तो ड्रेन ट्रे के अंदर से उठने वाली स्टीम यानी बाफ, अगर इस लगी हुई ड्रेन लाइन के होल के अंदर से अगर स्टीम यानी वो बाफ जाने लगेगी तो ये बाफ इस लाइन के थ्रू होते हुए इनके फ्रीजर के दूसरे वाले पैनल के भी पीछे इस कॉइल के नीचे इनके ड्रेन लाइन के यहाँ वाले होल पे वे स्टीम इकट्ठा होकर के आइस बन जाते हैं और इनके होल को ब्लॉक कर देते हैं, इनके मुंह को बंद कर देते हैं और वे पानी ड्रेन बॉक्स में ड्रेन होकर के नहीं जा पाते हैं और यहीं पर इकट्ठा रहते हैं। और यहाँ पे इकट्ठा हुए पानी भी आइस बन करके बिल्कुल इस एरिया को जाम कर देते हैं और वे पानी इस फ्रोजन होकर के इसके रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम आपको समझाना चाहूंगा। किसी पानी को इकट्ठा करने वाले बर्तन को ठीक यहाँ पर रखें और इनके ड्रेन लाइन को यूं उठाएं और इसके अंदर छोड़ दें कि इस ड्रेन लाइन के थ्रू आने वाला पानी यहाँ पर इकट्ठा हो सके और वे बाहर ना गिरे। और रेफ्रिजरेटर के स्विच को 48 आवर के लिए 48 घंटों के लिए बंद कर दें। अब रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर का पानी ड्रेन होकर के इनके ड्रेन लाइन के थ्रू अपने आप इस बर्तन के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे। आपको 48 आवर 48 घंटों तक इसलिए वेट करना है कि फ्रीजर के अंदर का आइस जल्दी से वार्म नहीं होता है और वे ड्रेन होकर के यहाँ पर जल्दी से नहीं आते हैं। और फिर भी आप देखें कि फ्रीजर के अंदर का पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, वहीं पर इकट्ठे हैं और वे आइस मेल्ट भी हो चुके हैं, यानी वो आइस पिघल चुके हैं लेकिन ड्रेन होकर के यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन है कि आप किसी फ्लेक्सिबल वायर या क्लच वायर, आप इस तरह के फ्लेक्सिबल लंबे आप इनके ड्रेन लाइन के इस होल के अंदर से यूं डालते हुए जो इनके पाइप के थ्रू करीब इनके फ्रीजर के अंदर तक जाने चाहिए,
इनके बॉडी के अंदर की ड्रेन लाइन को, इनकी ड्रेन लाइन को इस तरह से साफ करते रहने से अगर इनके अंदर कुछ कचरा या कि फ्रिज के फ्रीजर के पैनल से छूटने वाले थर्मोकोल के अगर कुछ टुकड़े रहेंगे तो वे साफ होकर के इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इनके अंदर के कचरे ड्रेन हो जाएंगे और पानी भी जितने भी वहां पे इकट्ठे रहेंगे सब के सब ये बाहर आ जाएंगे। अगर इनके कैप ड्रेन ट्रैक के अंदर से अगर कहीं से मिल जाते हैं तो इनको वॉश करके आप इनके ऊपर, इनके मुंह के ऊपर इन्हें वापस लगा दें, और या कि अगर ये कैप मिस हो गए हैं, मिलते ही नहीं हैं, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन है कि आप किसी वायर टेप को इनके ऊपर थोड़े कुछ टेप, इस टेप को लगा करके इनके मुंह को 90% बंद कर दें। तो किसी सेलो टेप या वायर टेप को इस तरह से इनके मुंह को पूरा ना बंद करें, थोड़ा सा साइड से खुला रखें। आप देख सकते हैं इस साइड से, इस साइड से थोड़े से खुले हैं, और बाकी इनके मुंह को वायर टेप को लिपेट करके इस तरह से इनको बंद कर दें। अब इनके ड्रेन के होल 90% क्लोज हो चुके हैं और थोड़े से खुले हैं कि पानी यहाँ से ड्रेन ट्रे के अंदर ड्रिप हो जाया करेंगे और ड्रेन ट्रे के अंदर का स्टीम यानी वो बाफ इनके अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा, और इस ड्रेन लाइन को इनके ड्रेन ट्रे के अंदर इस तरह से छोड़ दें कि इनके अंदर का ड्रिप होने वाला पानी ड्रेन ट्रे के अंदर ही गिरे, बाहर ना गिरे। इस तरह से इनके फ्रीजर की कूलिंग कॉइल के नीचे जमा हुआ आइस बिल्कुल ड्रेन होकर के क्लीन हो जाएंगे और इनके अंदर फिट हुए फ्रीजर फैन के चलने से एयर की रिसाइकलिंग प्रॉपर होने लगेगी, और इनके रेफ्रिजरेटर के स्विच को जब आप ऑन करते हैं इनके रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग प्रॉपर होने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक्स। होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस से क्वालिफाई होने के लिए हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना ना भूलें।